हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, ये हमारे पास एमको की बैटरी एसिड वाली। तो फ्रेंड्स, मैंने कई लोगों से सुना है कि जो ड्राई बैटरी होती हैं वो ज़्यादा अच्छी होती हैं और एसिड वाली बेकार होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एसिड वाली बेकार नहीं होती हैं, एसिड वाली बैटरी भी अच्छी होती हैं और ये भी काफ़ी अच्छा टाइम निकाल देती हैं जो हम इनको अच्छी तरह से रखें। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इनकी जो लाइफ होती है उनको दुगना कैसे करें, ज़्यादा लॉन्ग लाइफ के लिए आपको क्या करना होगा। तो मैं आपको बता दूं, ये एमको की बैटरी है, 5 एम्पायर की है और ये स्कूटी की बैटरी है। तो फ्रेंड्स, जो ड्राई होती है बैटरी, उसमें ये होता है कि उनमें एक बार जैसे हमने डाल दी है और वो उसमें कोई बार बार चेक कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैकेनिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इनमें क्या होता है, हमें 6 महीने बाद या 8 महीने बाद या 4 महीने बाद वो एसिड चेक कराना पड़ता है, एसिड उसमें है या ख़त्म हो गया है। तो इनमें यह होता है कि एक बार एसिड ख़त्म हो जाए तो ये बैटरी ख़राब हो जाती हैं। जो इसके अंदर सेल होते हैं वो पूरे एसिड से भरे होने चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा आज कि इनकी लाइफ को आप दुगना कैसे कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो देखते रहें आप। तो ये एमको की बैटरी है और फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बैटरी ख़राब नहीं होती है। तो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो इसमें एसिड पड़ता है, मैं उसका आपको ग्रेड बताऊंगा कि इसमें कौन सी ग्रेड का एसिड पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये है एसिड जो बैटरी में पड़ता है और ये आप देख पा रहे होंगे, ये 1250 ग्रेड का है। जो ये 1250 का है यही इसमें पड़ता है और कोई नहीं पड़ता है। जैसे हम कहीं दुकान से लेते हैं वो कम ग्रेड का या इन्वर्टर का, जो दूसरी बड़ी बैटरीज होती हैं घर में, जो इन्वर्टर हम यूज करते हैं उनका दे देते हैं तो उससे बैटरी ख़राब हो जाती है। तो ये कुछ ज़्यादा महंगी नहीं है, 40-50 रुपये की बोतल मिलती है और ये हम बैटरी वाली दुकान से कहीं से भी आप ख़रीद सकते हैं, जो बैटरी की दुकान होती है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत आसानी से मिल जाता है हमें मार्केट में। तो आप ये देख लें, जो मेन चीज़ है इसकी, ये 1250, सिर्फ इसी ही ग्रेड का लेना है आपको और इसमें डालना है। तो दूसरी मैं बात आपको बता दूं। तो फ्रेंड्स, ये तो होगी तेजाब की बात। तो आपने जाना कि इसमें कौन सा तेजाब पड़ता है, ये 1250 ग्रेड का है। तो चलो इसको हम साइड में रखते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि बैटरी की लाइफ को दुगना कैसे करें। तो हम करते क्या हैं, हमें से 80-90% लोग करते क्या हैं ये गलती, और इस गलती के कारण ये बैटरी ख़राब हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं, जो इसके अंदर जब ये बैटरी हम ख़रीदते हैं दुकानदार से और ये हमें सूखी बैटरी मिलती है, इसके अंदर एसिड नहीं होता है, ये बिल्कुल सूखी होती है। उसके बाद में हम इसके अंदर एसिड डालते हैं पूरा ऊपर तक और उसके बाद में आधे या पौने घंटे के बाद हम बैटरी को चार्ज करते हैं, तो बिल्कुल हम अच्छा करते हैं। तब उस टाइम हमें सिर्फ यही एसिड डालना है 1250 ग्रेड का। फिर उसके बाद में हमें करना क्या है, मेन बात ये आप ध्यान से सुन। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं ये बैटरी ख़राब क्यों होती है। जैसे कि आपको मैं बता दूं, नई हम बैटरी लेते हैं और उसके अंदर एसिड डालते हैं 1250 ग्रेड का और उसके बाद में हम इसको चलाते हैं 4 या 6 महीने, उसके बाद में लेवल कम हो जाता है। तो उसके बाद में हम फिर एसिड डालते हैं वही 1250 ग्रेड का, तो इसलिए हमारी वो बैटरी ख़राब हो जाती है। तो हमें ये नहीं करना है, हमें सिर्फ एक बार ही इसमें एसिड डालना है 1250 ग्रेड का। जब हम नई बैटरी ख़रीदते हैं तभी हमें इसमें डालना है 1250 ग्रेड का, और उसके बाद में जब कभी लेवल इसका कम होगा बैटरी का, तब इसमें हम सिर्फ पानी जो पीने वाला होता है नॉर्मल वाटर, वो ही इसमें डालना है। क्योंकि जब इसमें ये बाइक चलती है और ये ऐसे जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये बैटरी चार्ज हो रही है और इसके अंदर का जो पानी की मात्रा होती है वो उड़ जाती है, सब पानी पानी उड़ जाता है, सिर्फ एसिड ही रह जाता है इसमें, तेजाब ही रह जाता है इसमें। और तेजाब तेजाब जैसे कि इसमें रह जाता है और दोबारा हम इसमें तेजाब डालते हैं, वो फिर से वो पानी उड़ जाता है और तेजाब रह जाता है, तो ये जो तेजाब की मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए ये प्लेटें जो अंदर की होती हैं वो गल जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो मैं आपको बताऊँ कि इसमें आपको सिर्फ एक ही बार एसिड डालना है, दोबारा इसमें पानी ही डालना है जो पीने वाला पानी होता है। तो इससे आपकी जो बैटरी की लाइफ होगी वो दुगनी होगी। तो फ्रेंड्स, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बैटरी को रिपेयर कैसे करें, बिल्कुल डेड बैटरी को रिपेयर कैसे करें। और उस ट्रिक से मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी, बिल्कुल नहीं,
जब वो डेड बैटरी होगी, जो मैं आपको फार्मूला बताऊंगा, जैसे आप करोगे वैसे क्या होगा, पुरानी बैटरी वो आप करोगे तो उसमें 2-3 महीने, कुछ 4-5 महीने वो टाइम निकाल सकती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि बैटरी कैसे रिपेयर करें। तो फ्रेंड्स, आपने जाना होगा कि ये बैटरी को कैसे ठीक कर रखना है और आप दुगनी इसकी लाइफ कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद।